गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो पियो पिक्सल पिक्स फोटोग्राफी। तो इसमें लास्ट कुछ दिनों में मैंने थोड़ा बहुत मैक्रो फोटोग्राफी में काम कर रहा हूँ। तो घर में बैठ के मैक्रो फोटोग्राफी का थोड़ा आनंद ले रहा हूँ। ये जो फोटोग्राफी एक्चुअली बेसिकली मोबाइल फोटोग्राफी से मैं कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ कि ये मैं रेडमी का नोट 4 जो है उसमें थोड़ा बहुत फोटोग्राफी कर रहा हूँ। एंड इसमें जो लेंस लगा हुआ है वो लेंस है 75mm का, एक पिक्सल का लेंस है जिसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दे रहा हूँ। ये जो है ये सिंपली एक पत्ता है, इसमें से कुछ ट्राई कर रहा हूँ, अगर कुछ बेटर आ जाए देखते हैं क्या शॉट आता है। ये वाला शॉट कुछ इस टाइप का कुछ लेने वाला हो, देखते हैं इसमें से कितना बेहतर एक फोटो मैं ले सको। फोकस में थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट जो फ्लावर है थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। ठीक है, मैं इस तरह कुछ फ़ोटो ले लेता हूँ पहले। ये वाला सेक्शन काफ़ी नज़दीक है एंड एक ग्रीन पत्ते के साथ वाइट कॉम्बिनेशन का एक फ्लावर का कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। मे बी इसको मैं टेक करूँ, देखते हैं और कुछ एंगल से कुछ निकलता है कि नहीं। इसमें थोड़ा पानी दे दिया, उसमें से थोड़ा जो पानी का बूंद होगा उसमें एक अच्छा एंड बहुत स्वीट एंड फेवरेट एक सिचुएशन क्रिएट होगा। उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा सा एंगल निकल आए। उस टाइम आपको एक कलर बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि पीछे जब भी आप सन पे टैप करोगे तब एक आपको डार्क वाला फीलिंग आएगा एंड जब भी आप कोई फ्लावर में टैप करोगे तब फ्लावर को एक बार फोकस करके उसका कलर टोन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप अगर दोनों एक बोथ साइड, दैट्स मीन्स क्या फोकस अगर फ्लावर एंड सन के मिडिल पे एक बीचो बीच रख के एक बार फोटो क्लिक करते हो तो उसमें फोकसिंग एक बार कलर बैलेंस अलग होता है। उसके बाद आप पोस्ट प्रोसेसिंग के साथ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो।